तीनों लोगों के स्वामी अमित तेजस्वी, रघुकुल शिरोमणि, भगवान श्री राम का दूत। दशरथ ने अपनी रानियों में बाटी खीर, देवी योजना से बनी एक ऐतिहासिक तस्वीर। खीर लेके कौवा पहुंचा अंजना के पास, प्रभु के प्रसाद से बदली उनकी तकदीर। माँ अंजना और केसरी थे एक पुत्र की चाह में, इस दुख में बिता चुके थे अपनी कई शामें। शिव की आराधना का आया विचार, आया पुत्र मिटाने सब के विकार। चारों ओर हर्षोल्लास गूंज गया, मारुति के रूप में शिव ने लिया अवतार। प्रभु की माया चमत्कार ही दिखाती, सारी दिशाएं अचंभित हो जाती। नट करते बजरंगी अपने बाल्यकाल से, माँ अंजना उनको अकेला छोड़ना नहीं चाहती। घूमते वो रहते थे भोजन की तलाश में, जो भी करे सफल हो जाए एक ही प्रयास में। व्याकुलता धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, जब आभास हुआ के फल बड़ा सा चमक रहा आकाश में। फल खाने की लालसा में मारुति निकल गए, संकट जो थे सारे वो तो मार्ग से फिसल गए। व्याकुलता तेज इतना भीषण था कि गए नजदीक और सूर्य को ही निगल गए। सारी पृथ्वी पे फैला अंधकार, राहु भी आया फिर लेके अपना अहंकार। देख के प्रभु की माया इंद्र को बुलाया, इंद्र ने वज्र से किया था परहार। लगा जब वज्र तो ऊर्जा जाने लगी, धीरे धीरे उनको मूर्छा आने लगी। वज्र वो इंद्र का मारुति को लगायु, पवन देव ने क्रोध में रोकी धरती की वायु। स्थिरता आ गई फिर सब की गति में कम होने लगी सभी प्राणियों की आयु। चिंतित सब देवता पहुंचे पवन देव के पास, क्रोध में वो बैठे थे सबसे होके निराश। सब को ही था ब्रह्मा पे विश्वास, ब्रह्मा के आशीर्वाद से आया मारुति को श्वास। मूर्छा के बाद जब प्राणों में आए प्राण, सभी देवताओं ने दिया शक्ति का वरदान। शक्तियों में उनकी हो गई वृद्धि, मारुति बन गए हनुमान। प्राणियों को वो तो संकट से बचाने लगे, नटकरते बजरंगी सबको ही सताने लगे। ऋषियों ने दिया शक्ति भूलने का श्राप, ये सुनते ही सब लोग थर्राने लगे। बाल्यकाल में भेंट हुई उनकी प्रभु राम से, उनके आराध्य वो ये भली भांति जानते। गुरु ने बताया कहाँ होगा फिर से मिलाप, कहाँ पर्वत वो होंगे ऋषिमुख नाम के। सुग्रीव और बाली से फिर उनकी हुई मुलाकात, जान गए वो है कौन ये उसके पश्चात। राम नाम को जपते रहे वो ध्यान से, प्रभु से मिलने को हुई तपस्या की शुरुआत। मैं तो जड़मती वानर ठहरा, प्रभु को पहचानने में देर हो गई, किंतु श्री राम तो सर्वज्ञ ही, इन्होंने अपने अनादि भक्त हनुमान को पहचानने में इतनी देर क्यों कर दी? तुम हनुमान हो? हाँ भैया, मैं ही चिर सेवक वही हनुमान हूं। उधर प्रभु आए वनवास काटने, संकट आए तभी उनके सामने। सीता माँ को हर ले गया रावण, आ गई अड़चन हर काम में। संघर्ष आ गया जीवन में, प्रभु ये जान गए माता के बिन जैसे। उनके शरीर से प्राण गए, सुग्रीव ने सोचा कोई संकट है। परिचले ने हनुमान गए, उनके ज्ञान को फिर प्रभु मान गए। एक दूजे को दोनों पहचान गए, कांधे पे बैठा के दोनों को सुग्रीव के पास हनुमान गए। जाके सुग्रीव से परिचय कराया, सुग्रीव ने अपना दुख तब बताया। प्रभु ने साथ दिया न्याय का और बाली को मार गिराया। सुग्रीव हो गए खुश में मगन, बोले बैठे सहायता का वचन। वक्त हो रहा था जाया, याद कराने पहुंचे हनुमत लखन। सेना भेजी गई चारों ओर, हर जगह मच गया भीषण शोर। माता का ना पता चला, समस्या बन गई और कठोर। रावण ले गया माँ को, जटायु ने ये बताया कि माना ना मेरी वो एक, मैंने बहुत समझाया। कोशिश बहुत करी रोकने की पर बचा ना पाया। जाके पहुंचे सब समुद्र किनारे, संपत्ति ने जिए जब दिशाओं के इशारे। संकटे आ गया कि कौन जाए उस पार, सारी सेना हुई हनुमान के सहारे। सबने ये सोचा कौन देखे माँ के हाल, सारे जवाब दिए जो भी हुए थे सवाल। शक्तियाँ भूलने का श्राप मिला, जामवंत ने याद कराया रूप धरा विशाल। यात्रा शुरू करी एक छोर से, प्रभु ने मुद्रिका दी पहचान के तौर पर। सुरसा की फिर करी इच्छा पूरी, बजरंगी धर्म परायण भी तो बहुत थे। पहुंचे हनुमान लंका के द्वार, करके सिंह की और लंकिनी का संघार। प्रवेश किया लंका में तो नगर को देखने का आया विचार। नाम से उनके पापी कांपे, रूप असली दिखाया विभीषण की याचिका पे। हुई मित्रता दोनों के बीच, उन्होंने कहा माँ मिलेंगी अशोक वाटिका में। पहुंचे वहां पर तो फिर दर्शन हुए माँ के, कराई पहचान मधुरिका को दिखा के। माता को दिया फिर आश्वासन, वो भी प्रसन्न हुई समाचार पाके। वाटिका को मैदान बनाया, अक्षय कुमार को मार गिराया। ब्रह्मास्त्र का किया सम्मान, मेघनाथ दरबार ले आया।
ब्रह्मास्त्र का किया सम्मान और मेघनाथ दरबार ले आया। वानरों को अपनी पूंछ से बड़ी ममता होती है, वही उनका आभूषण है, अतः इसकी पूंछ जला दी जाए। जली पूंछ लेकर ये अपने स्वामी के पास जाए और वहां इसके मित्र और कुटुंबी जन इसे दीन और पीड़ित अवस्था में देखकर दुखी हो। राक्षसगण इसकी पूंछ में आग लगाकर इसे नगर की सड़कों और चौराहे पर घुमाए, जिससे राक्षसों के बच्चे जलती हुई पूंछ वाले वानर को देखकर प्रसन्न हो। यह हमारी आज्ञा है। यादगार बनी मुलाकात बहुत, रावण ने किया प्रभु को याद बहुत, कोशिश करी रावण को समझाने की, चला दोनों में संवाद बहुत, मेघनाद ने आगे सारी बात बता डाली, विभीषण की सुन के मृत्यु की टाली, आदेश दिया और पूछ में आग लगा डाली, हनुमान ने उसी आग से लंका जला डाली, लौटे प्रभु के पास लेके माता का समाचार, बताया कि जरूरी है अब रावण का संहार। हे प्रभु, माता ने कहा है कि रावण समेत नष्ट करो उसका अहंकार। रावण ने क्रोध से विभीषण को ठुकराया, था वो राम भक्त उसको राम ने अपनाया, प्रभु राम ने तपस्या करी भारी, सेतु निर्माण की चलने लगी तैयारी, राम नाम लिख के तैयार गए पत्थर, नंदी बने थे सेतु निर्माण कारी, शुरू हुई लंका की और चढ़ाई, नजदीक आने वाली थी अब रावण की तबाही, इतना समझाने पर भी जब वो नहीं माना, उसने हर जगह युद्ध की बिगुल बजवाई, योद्धा सारे अहंकारी बुद्धि को ज्ञान सेना मिला सके, उनकी हिम्मत हो गई फीकी अंगद का पैर बिना हिला सके, फिर हुई युद्ध की शुरुआत, कई योद्धाओं को मिल गई मात, कुंभकर्ण आया जब नींद से जाग के, प्रभु राम के बाणों से वो तो हो गया परास्त, उसके बाद रणभूमि में मेघनाथ आया, उसने सबको अपना रण कौशल दिखाया, उसकी वीरता से हुए सब प्रभावित, जब सब ने लक्ष्मण को मूर्छित पाया, सारी सेना पर संकट के बादल छाए, हनुमान जीते एकमात्र उपाय, विभीषण ने उनको पता बताया, सुषेण वैद्य को वो उठा ले आए, उड़ गए करके राम नाम की दहाड़, काले नेमी को भी फिर दिया था पचाड़, भाई भरत से हुई मित्रता, बूटी छोड़ो ले आए वो पूरा ही पहाड़, उठते ही लक्ष्मण को फिर आया क्रोध, लेने पहुंचे मेघनाथ से अपना प्रतिशोध, करके मेघनाथ का संघार उसे कराया उसकी भूल का बोध, फिर आई वो रात बड़ी, हनुमान ने विभीषण से बात करी, पाताल की और शुरुआत करी, वहां जाके मकरध्वज से मुलाकात करी, हनुमान जैसा तेज झलक रहा था उसके सीने से, पुत्र था वो उनका जो हुआ था पसीने से, उसकी बातों से फिर उन्होंने उसको जान लिया, रावण के षड्यंत्र के बारे में ज्ञान दिया, फिर भी जब बजरंगी प्रवेश न कर पाए तो अपने ही पुत्र को उसकी पूंछ से बांध दिया, आई ही रावण राम लखन को ले आए पाताल, फिर ये सारी भी तो बस रावण की ही चाल, पहुंचे हनुमान पर की रक्षा को बुझा उखाड़ी रूप धर के विशाल, सब कुछ खोके जब रावण हुआ निराश, पहुंचा वो फिर महादेव के पास। जानता हूं गीन अपशकुनों द्वारा तुम मुझे डरा रहे, जिससे मैं अपनी हार मानकर राम के चरणों में झुक जाऊं, जिस राम का तुम साथ दे रहे हो वह राम भी देख लेगा कि रावण के साथ युद्ध करना कितना दुष्कर कार्य है, रावण मिट जाएगा परंतु झुकेगा नहीं। अंत में फिर रावण आया युद्ध के मैदान, बाणों से वो न मरा हुए प्रभु परेशान, विभीषण ने बताया फिर सारा राज उनको, कहा कि प्रभु इसके पेट पे मारो बाण, इसी के साथ वहां पे फिर अंत हुआ रावण का, राम ने किया नमन क्योंकि ज्ञानी वो पावन था, माता से कराई अग्नि परीक्षा पार, विभीषण को सौंप दिया लंका का भार, मिलकर दोनों को हुई प्रसन्नता, अयोध्या की ओर चले पुष्पक में सवार, बजरंगी पहुंचे संदेश लेकर, वायु से भी अधिक वाला तेज लेकर, अयोध्या में मना एक बड़ा त्योहार, प्रभु राम ने संभाला जब राज्य का भार, सीता माँ के कहने पे अपना रोम उखाड़ा, क्योंकि राम से भक्ति करते थे सबसे ज्यादा, और फिर भी देने को प्रमाण, कराए दर्शन जब अपना ही सीना फाड़ा, न जाने फिर से ये कैसे बना संयोग, सिया राम को सेना पड़ा फिर से भी योग, माता सीता राज महल से आई, वाल्मीकि के आश्रम में कुटिया बनाई, वहीं पर उनका बहुत समय बीत गया, पैदा हुए लवकुश नाम के दो भाई, सीता माँ के जीवन में फिर सुख आया, दोनों पुत्रों में दिखती थी राम की ही छाया, राम कथा सुनाता था वो जोड़ा, दुष्ट जो भी आया था किसी को भी न छोड़ा, अश्वमेध किया था प्रभु राम ने, लेकिन लवकुश ने पकड़ा था वो घोड़ा,
बोले घोड़ा नहीं देंगे चाहे युद्ध का ऐलान हो, लड़ लेंगे सबसे चाहे योद्धा कोई महान हो। रूप धर के विशाल गए बजरंगी पर, राम नाम लेके बांध दिया हनुमान को। इतने सबके बाद सीता माता आई, उनसे न सही जाई यूं बार बार जुदाई। किया उन्होंने धरती माँ का आवाहन और सीता माता धरती में सवाई। जीवन में ज्यादा समय तक न आए उल्लास, ये सोच कर उनका हृदय हो गया निराश। हर एक पल में प्रभु के साथ रहे, बजरंगी हैं उनके सबसे बड़े दास। हनुमान थे सबके चहेते, राम नाम को वो जपते ही रहते। पापियों का करते हैं नाश, राम भक्त तो कुछ न कहते। उनकी भक्ति में छोड़ दिया अपना भी घर, राम के बिना नहीं उनको सबर। जब के राम नाम और पाके उनका आशीर्वाद, हनुमान हो गए हैं अमर। शनि देव को जब हुआ अहंकार, देदी बजरंगी को ललकार। उनकी भी बुद्धि को ज्ञान प्राप्त हुआ जब सहनी पड़ी बजरंगी से हार। महाभारत ने भी लिया था अवतार, भीम हुआ बल दिखाने को जब तैयार। लेकिन हनुमान की वो पूछे बिना है ला सका, तो उसने किया फिर अपनी भूल को स्वीकार। बांटते हैं प्राणियों में राम का ज्ञान, जितने बड़े भक्त उतने बड़े विद्वान। उन्हें की ना कर सकेगा कोई बराबरी, ऐसे है महाज्ञानी महाबली हनुमान। जय श्री राम।